नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं, ये साधारण से स्वभाव वाले चप्पल पहने हुए और ये दुपट्टा डाले हुए आप देख रहे हैं शख्स को, लेकिन ये शख्स आम नहीं है। दिखने में साधारण है, लेकिन इनकी उपलब्धि आपको हम बता देते हैं। ये जब स्टेज पर खड़े होते हैं, जब भाषण देते हैं, तो इस प्रकार का भाषण देते हैं अच्छो अच्छो की बोलती बंद हो जाती है। जब मैंने इनको पहली बार देखा तो मैंने इनसे कहा कि एक बार आप हमें भी इंटरव्यू दें। और जब मेरे साथ इन्होंने आज वक्त निकाला, आज ही कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय का यहाँ बहुत तगड़ा प्रचार चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें चल रही है। ये सब चीज़ें अलग है, क्योंकि यहाँ पर रुड़की में मेरे साथ ये बैठे शख्स, इनका इंटरव्यू लेना इसलिए ज़रूरी था, इनके भाषण के वजह से ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। अच्छा सर, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम नज़ाकत अली कंभौर है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, यूपी से रहें। अच्छा, जो भाषण आप करते हैं जब आप कहीं मीटिंग में जाते हैं नेता के साथ में, या फिर किसी कैंपेनिंग में जाते हैं, प्रचार के रूम में जाते हैं, तो आप जो भाषण करते हैं वो बड़ा उम्दा होता है। कहाँ से सीखा आपने? क्या आप नेता हैं या राजनेताओं के साथ रहे हो, या फिर पार्टी ज्वाइनिंग किया आपने, क्या किया है? देखिए, ना तो मैं राजनेता हूँ और ना ही मैं किसी पार्टी में रहा हूँ। दिल से मैं संपर्क की राजनीति करता हूँ। अगर कोई मेरा साथी बीजेपी में है और उसको चुनाव लड़ने का मौका पार्टी देती है तो मैं उसका चुनाव लड़ाता हूँ। और ये जो मुझे आवाज़, जो मैं बात करता हूँ, ये मेरा अपना जो कोई कमाल नहीं है, ऊपर वाले का कमाल है। और मुझे मुद्दा पता चल जाता है कि इस मुद्दे पे मुझे बोलना है तो मैं वैसे ही बोलता रहता हूँ। सच बोलने की पूरी कोशिश करता हूँ, सच बोलता हूँ। सच अगर मेरा दुश्मन होगा तो उसके लिए सच बोलूँगा, और मेरा दोस्त होगा वो गलत होगा तो उसके खिलाफ़ गलत बोलूँगा। मैं बिल्कुल सच बोलने की पूरी कोशिश। अच्छा, ये क्या कारण है कि आप जब भाषण कहीं करते हैं, कुछ देर का माहौल पहले कुछ और होता है, जब भाषण हो जाता है उसके बाद का माहौल बहुत बदल जाता है, तो टेक्निक कहाँ से आई आपके पास? ये ऊपर वाले का सब कर्म होता है, ईश्वर अल्लाह का। बस मैं जो सच बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ, तो शायद उन लोगों पर उसका असर पड़ता है कि बंदा सच कह रहा है। अच्छा, ये क्या कारण है? आप चप्पल में रहते हैं, फिर दुपट्टा आपने डाला है, साधारण से रहना, क्या है कारण? देखो, मैंने कुछ ऐसा देखा, आज की जो युवा राजनीति है वो एक गुलामी वाली राजनीति हो गई है। जब सत्ता रहती है या नेता रहता है तो बड़े टिप टॉप रहते हैं, क्लब का कपड़ा, एडिडास का, रीड चिप का जूता रहता है। जब सरकार सत्ता चली जाती है तो फिर वो उसी पोजीशन में आ जाते हैं। और मैंने बुजुर्गों से सुना है कि सिंपल आदमी हमेशा इज्जत पाता है, सहयोग में वो उसको कभी मायूसी महसूस नहीं होती। तो मैं सदा सत्ता में रहा हूँ, सत्ता में मेरे साथी रहे हूँ, मैं सदा ऐसे ही सिंपल रहने में मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इन सब में आपने देखा होगा किस प्रकार से लोग भाषण करते हैं और कैसे कैसे वो लोग सीखते भी हैं। कुछ नेता तो सीखने के लिए भी जाते हैं, कि कहीं से सीखने की ज़रूरत पड़ी आपको? नहीं, देखिए बिना सीखे तो कुछ नहीं होता। मेरे बहुत सारे लोग हैं जो कभी अच्छी बात बताते हैं, उनको मैं कैच कर लेता हूँ और मैं उनको गुरु मानता हूँ, मैं उनको गुरु भी मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बिना गुरु के कुछ नहीं। मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ, प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी, क्या क्या उन्होंने काम करे, अच्छे करे हैं कि या देश के लिए वो अच्छे नहीं है, क्या लगता है? देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं, नहीं, अब मैं प्रधानमंत्री में एक बात कर रहा हूँ आपसे, क्या हमारे देश का जो हमारे हम चल रहे हैं जिस पीढ़ी में, हमारे देश में क्या बेहतर हो सकता है इस देश में, उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में? देखिए, बेहतर ये हो सकता है, आदरणीय प्रधानमंत्री को चाहिए कि जो उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विश्वास सबका विश्वास, वो विश्वास को समझ लें। कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है। विकास तो अभी धरातल पर नहीं है, क्योंकि अभी 5 साल हुए हैं और दूसरा उनको मौका मिला है। हो सकता है इस आने वाले वक्त में वो विकास करें। विश्वास की अभी कमी है, विश्वास होना अभी चाहिए। विश्वास नहीं है। आप विश्वास कर रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर कि वो आगे आने वाले टाइम में बदलाव? जी, मैं सोच रहा हूँ, एक सर्वोच्च पद पर है तो मुझे उम्मीद है जब आदमी किसी जिम्मेदारी पर पहुंचा। अगर आपको कहीं से ऑफर आया, कहीं से अगर किसी मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने या किसी पदाधिकारी ने आपको ऑफर किया हो कि आप हमारी पार्टी से जुड़िए, आप भाषण अच्छा देते हैं? देखिए, मुझे उत्तराखंड सरकार में, मैं नाम नहीं लूँगा पार्टी का, मुझे दिया गया था आश्वासन कि आप आइए, हम आपको हज कमेटी का सदस्य बनाएंगे। दिल्ली में भी मुझे हज कमेटी का सदस्य, यूपी में मुझे राज्य मंत्री की बात कही गई थी, पर मैं वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ जाकर पार्टियों की बताई हुई बात बोलनी होती है और मैं आज़ाद हूँ।
मैं आज़ाद देश का वासी हूँ, तो मुझे खुलकर बोलने की, सही बात कहने की आदत है, तो इसलिए मैं किसी पार्टी में नहीं जा सकता। पार्टी में जाने का मतलब है गुलाम होना। अगर मुझे कभी किसी पार्टी में जाना होगा, किसी नेता के साथ जाना होगा, उसके साथ जाऊँगा जो सर्व समाज की बात करता होगा और मुझे बोलने पर बिल्कुल ना टोके, जो मुझे सही लगेगा वो मैं कहूँगा, मैं उस पार्टी में कभी जाऊँगा, जाने का मौका पड़ा तो। अच्छा, हमने सुना है कि जब नेता वोट मांगने जाते हैं, बड़ी ईमानदारी से बात रखते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, और उसके बाद में जो हाल होता है वो आपको भी पता है, तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, मेरा कहना तो ये है, मैंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था। आपने जिला पंचायत चुनाव लड़ा? जिला पंचायत कहाँ से लड़ा था? अपने डिस्ट्रिक्ट बिजनौर ब्लॉक हल्दौर वार्ड नंबर 24 से। अच्छा, निर्दलीय लड़ा? जी, निर्दलीय लड़ा था। मैंने बिल्कुल खुले मन से ये कहा था कि मुझे शराब का, ठेकेदार का, मुर्गे का और पैसे का वोट नहीं चाहता, जो कोई वोटर ऐसा मेरी मीटिंग में हो तो वोट कर चला जाए। जब तक हम लोग जनता को यह नहीं बताने की, और जनता जब तक ये नहीं समझने की कि हमें कैसा नेता चुनना चाहिए, नेता की कमी यहाँ कम है, जनता की ज़्यादा है। जनता जब उस नेता से खर्च ज़्यादा कराती तो वो झूठे झूठे वादे करके वोट लेने का काम करता है। मैं हार गया, मुझे कोई अफसोस नहीं, मैं दोबारा जनता के बीच में वही एजेंडा लेकर जाऊंगा, निस्वार्थ वोट, वोट की पवित्रता भंगना हो और वोट अच्छे आदमी को मिलना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है और है मेरा कि जो आपने चुनाव लड़ा था, लोगों का रुझान कैसा आया था, कि भाषण कैसे हो, वहाँ पे भी क्या इसी प्रकार से भाषण होते थे? जी, इसी तरीके से होते थे। देखिए, हमारे सामने जो चुनाव लड़ रहे थे, एक को मौजूदा विधायक लड़ा रही थी, एक को मौजूदा एमपी लड़ा रहे थे, एक को पूर्व गन्ना राज्य मंत्री वो लड़ा रहे थे, एक को ब्लॉक प्रमुख लड़ा रहे थे, और हम मात्र ट्रैक्टर ट्राली से। आज के दौर में खुद ट्रैक्टर ट्राली पर बैठना भी, मेरे पास दो मोटरसाइकिल और एक ट्रैक्टर ट्राली से चुनाव लड़ रहा था। जनता ने मुझे अपार प्यार दिया। उन लोगों का कहना यह कि हमारे 15-15, 20-20 लाख रुपए लगे, मेरे मात्र 70-72 हज़ार रुपये खर्च आए थे और मुझे बहुत अच्छे वोट मिले। आप देखिए, नेता बहुत देखे होंगे आपने और बहुत सारे अभिनेता भी देखे होंगे, लेकिन कुछ यूनिक होता है। हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से लोगों से हम मिलें, उनकी बात आपके सामने रखवाएं, कैसे भाषण करते हैं नेता और कैसे अपनी बातों को रखते हैं, ये जो क्या इसके लिए किताबें पढ़नी पड़ती है जब आप भाषण करते हैं, कोई भी नेता भाषण करता है, क्या किताबें पढ़नी पड़ती है या ऐसे ही नॉर्मली जहाँ की जो जहाँ भी आप जाएं उसी प्रकार से आप भाषण देते हैं? देखिए, भाषण और किताबें नहीं, देखिए अखबार तो मैं पढ़ता हूँ, किताबें अखबार पढ़ना जरूरी, अखबार पढ़ता हूँ और किताबें पढ़ने का, इतिहास पढ़ने का। आजकल तो पत्रकार मैं देखता हूँ कि आजकल के जो पत्रकार हैं अखबार का एक कॉलम नहीं पढ़ पाते और वो भी पत्रकार बन रहे हैं और अच्छा खासा ज्ञान रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि आप जब तक आपको ज्ञान हासिल नहीं होगा तब तक आप आगे तो बढ़ रहे हैं, उम्र भी बढ़ रही है आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रेजेंटेशन आपकी ऑफ जा रही है, तो वो आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं उस चीज़ को? तो मेरा यही था सवाल, क्या आप अखबार पढ़ते हैं या किताबें पढ़ते हैं जिससे कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को? जी जी बिल्कुल, मैं किताबें भी पढ़ता हूँ और सामाजिक किताबें भी पढ़ता हूँ, धार्मिक किताबें भी पढ़ता हूँ, ऐतिहासिक किताबें भी पढ़ता हूँ, और पेपर मुझे रोज़ ज़रूर चाहता है। पेपर नहीं मिल, पर रोजाना पढ़ता, पेपर अगर नहीं मिलता तो ऐसा लगता है जैसे कुछ खोया गया, खाना नहीं मिला। हाँ, और करीबन करीबन मैं चाहता हूँ कि अगर 5 पेपर आते हैं तो 5ों के 5ों पढ़े जाएँ, मैं पेपर की बहुत तलाश करता हूँ। अच्छा, आपको सबसे पसंदीदा भाषण किसका लगता है? ओवैसी जी भी अच्छा भाषण करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी तो एक पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और इसके अलावा बहुत बड़े बड़े नेता हैं जिनका मैं नाम लूँ तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी, तो आपकी नज़र में कौन नेता है जो अच्छा भाषण करता है भारत में? देखिए, मुझे हर उस नेता का भाषण अच्छा लगता है जो देश में शांति की बात करता है, देश के विकास की बात करता है, देश में भाईचारे की बात करता है। मुझे उस हर नेता का भाषण अच्छा लगता है जो ये बात, सभी का अच्छा लगता है। अच्छा, रुड़की में आप जब से आए हैं लोग आपको पहचान रहे कि भाषण दे रहे थे, ये वहाँ मिले थे, लोग मिलने आ रहे हैं आपसे, हाथ मिला रहे हैं, और एक जैसे एक नेता होता है उस प्रकार से आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, तो क्या कारण है, क्या ये आपकी मतलब ज़िंदगी में चल गया है या माहौल बन रहा है आपका? देखिए, ये जो भी कुछ हो रहा है आप लोगों की दुआएं हैं, ऊपर वाले का शुक्र है। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं सबसे छोटा हूँ, मुझसे सब बड़े हैं। जब मुझसे कोई मिलता है तो मैं ये सोचता हूँ ये मुझसे बड़ा है, मुझे इसको पूरा सम्मान देना चाहिए, चाहे मेरा दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे रिश्तेदार हो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ सम्मान देने की। इंसान कभी छोटा नहीं होता, उसकी सोच छोटी होती है। अच्छा, आने वाले वक्त में क्या अगर कोई पार्टी आपको टिकट देती है कहीं से भी, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय में? हाँ जी, मैं चुनाव बिल्कुल लड़ूंगा। मैं चाहूँगा कि लोकसभा विधानसभा में पहुँचकर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कोई बात उठाऊँ, अपने वहाँ सवाल रखे जाए
और मैं बस वही बात करूँगा जो सर समाज की बात करेगी, जो झूठे वादों पे जो सरकार बनती है या जो झूठे वादों पर लोग पार्टियां चलाते हैं या अपने मैनिफेस्टो लिखते हैं, मैं उनमें कभी नहीं जाऊँगा। जाना होता तो मुझे तमाम पार्टियां हैं, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, भाजपा है, आम आदमी पार्टी में मैं रहा हूँ, बसपा में मैं भी रहा हूँ। जब मुझे वहाँ लगा कि ऐसा कुछ नहीं है तो मैं पार्टी छोड़ दी। अच्छा, पार्टी में भी रहे हैं आप, तो आपके अभी जो अपडेट आएगी, जो आने वाले समय में बदलाव आ पाएगा, तो क्या सोचा है आपने आगे के लिए, क्या करेंगे आप? क्योंकि एक साधारण स्वभाव में जीने वाला इंसान, जैसे केजरीवाल जी थे, उनका भी एक वातावरण बदल गया है। अगर आप नेता बनते हैं, कहीं बदल जाए? देखिए, मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा, ईश्वर अल्लाह से, अगर मेरे अंदर बदलाव आना होगा तो मुझे कामयाबी ना दे। जैसा मैं आज हूँ वही सिंपल सादगी, लोगों से मिलना, अगर ऐसा स्वभाव मेरा रहे तो मुझे कामयाबी दे। एक अलग पहचान बनाना चाहता हूँ, एक अलग पहचान बस। हम जिन शख्स से बात कर रहे थे, आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी, किस प्रकार से भाषण करते हैं, वो भी हमने बता दिया है। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।